नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम ये लैंप को मेकओवर करने वाले हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर DIY वीडियोस और बहुत ही सुंदर सुंदर लिपन आर्ट से रिलेटेड और मधुबनी आर्ट से रिलेटेड वीडियो डालती हूं। अगर आप भी ये सब चीज़ें पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आप इसी तरह की वीडियोज़ देख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास ऐसा कोई लैंप है जो पुराना हो गया है, जिससे आप बोर हो गए हैं और आप उसको नया बनाना चाहते हैं, तो आप उसको अच्छे से क्लीन करें, और क्लीन करने के बाद जहाँ भी वो आपको लग रहा है कि टूटा हुआ है या उसमें कुछ ख़राब है, तो उसको अच्छे से फिक्स कर लें। उसके बाद ही उसके ऊपर काम करना शुरू करें। मैंने यहाँ अच्छे से इसको, जहाँ भी ये ख़राब था, मैंने ग्लू के साथ उसको अच्छे से स्टिक कर दिया है, और स्टिक करने के बाद मैंने यहाँ पर कलर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ये वीडियो की जो क्लिप है वो मिस हो गई है बीच में। मैंने नीचे डार्क कलर किया है ब्लैक कलर, और ऊपर मैंने ब्लू कलर किया है। अब आपको यहाँ पर बनाना है एक पेस्ट। इसमें मैंने लिया है पाउडर। आप नॉर्मल कोई भी टेलकम पाउडर ले सकते हैं, और उसके अंदर फेविकोल मिक्स करना है आपको सेम क्वांटिटी में। और इस तरह से आप कोन बना सकते हैं। अगर आप कलरफुल कोन बनाना चाहते हैं तो कलरफुल कोन के लिए आप उसके अंदर थोड़ा सा कलर ऐड कर दें। अगर आप बहुत अच्छे से कोन बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो मैंने डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस कोन आपको रेडी करने हैं, और इस तरह से जो भी कुछ भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ इसके ऊपर एक डिज़ाइन है, नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने उसी के ऊपर डिज़ाइन बनाया है। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी बना सकते हैं। मैंने जो ये वीडियो बनाई है वो सिर्फ इसलिए बनाई है कि आपको ये आइडिया आ जाए कि आप इस तरह से भी किसी पुरानी चीज़ को एकदम नया बना सकते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर आपको अपनी कमी बताऊँ तो यहाँ पर जो मेरा पेस्ट है वो थोड़ा सा रनी हो गया था, तो उसकी वजह से यहाँ आप देख रहे हैं जो मेरे यहाँ पे कोन वर्क है वो बिल्कुल गोल नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा फैल रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आपका जो पेस्ट है वो थिक बने, वो बहुत ज़्यादा रनी ना हो, तभी आपका काम बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुंदर आएगा। इसको बनाते हुए आपको अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सब कुछ जो भी वीडियो में मैंने मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और कौन कैसे बनाए वो लिंक भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।